हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार पर संकट। सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय भरा नामांकन। भाजपा का बड़ा खेल। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर चुके हैं। बीजेपी ने निर्दलीय सुभाष चंद्रा को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है। राजस्थान की चार राज्यसभा सीटों पर पांच उम्मीदवार आने से सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। कांग्रेस के तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए राह अब मुश्किल हो गई है। यदि प्रमोद तिवारी को तीसरे नंबर पर रखा जाता है तो उनके चुने जाने का संकट है। मौजूदा सियासी गणित कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। अचानक उत्पन्न हुए बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बदली है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जयपुर के एक होटल में विधायकों को प्रशिक्षण के नाम पर बाड़े बंदी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है और ये तीनों ही उम्मीदवार बाहरी हैं। कांग्रेस विधायक बाहरी उम्मीदवारों का विरोध भी कर रहे हैं। नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा ने सीएम अशोक गहलोत से मंगलवार को मुलाकात की है। गणेश गोगरा ने हाल में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि गोगरा इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। राजस्थान में संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है। गहलोत के मंत्री महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को 126 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पहले भी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के मंसूबे सफल नहीं हुए। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बाहरी उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम गहलोत को लिखे पत्र में भरत सिंह ने कहा है कि बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद लाड साहब बन जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद विधायकों से मिलते तक नहीं है। निर्दलीय विधायक एवं सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी बाहरी उम्मीदवारों का विरोध किया है। निर्दलीय सुभाष चंद्रा को आरएलपी के तीन विधायक का समर्थन मिलने के आसार हैं। बीटीपी के दो विधायक किसे समर्थन देंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है। सुभाष चंद्रा को निर्दलीय विधायकों से उम्मीद है, लेकिन हाल में 13 निर्दलीय विधायकों ने सीएम गहलोत से मुलाकात कर समर्थन देने का ऐलान किया था। सुभाष चंद्रा की एंट्री से निर्दलीय विधायक खिसक भी सकते हैं। आरएलडी विधायक एवं मंत्री सुभाष चंद्रा को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। भाजपा के दो विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को मिलने की संभावना है। विधानसभा में मौजूद संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 2, बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है। मुकाबला तीसरी सीट के लिए होगा। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 123 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। बीजेपी ने सुभाष चंद्रा का समर्थन कर कांग्रेस के लिए सरदर्द बढ़ा दिया है। कांग्रेस के पास 2 सीटों पर जीत के लिए बहुमत है, लेकिन तीसरी सीट पर जीत के लिए उसे निर्दलीय विधायकों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी भी 2 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर इस सियासी जंग को रोचक बना चुकी है। कांग्रेस के पास 108 विधायक, भाजपा के पास 71, निर्दलीय 13, आरएलपी 3, बीटीपी 2, माकपा 2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। कांग्रेस को सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया है। माकपा के 2 विधायकों का भी कांग्रेस के ऐसे संकेत पार्टी के नेता प्रकाश करात ने हाल ही में दिए थे। आरएलडी के 1 विधायक का समर्थन भी कांग्रेस को ही मिलेगा। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के 3 सीट जीतने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह पार्टी ने बाहरी उम्मीदवारों पर दाव खेला है उससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के विधायकों को एकजुट करने की रहेगी। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में रहने का दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक उनसे संपर्क में हैं। दोनों नेताओं ने निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने का भी दावा किया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। राजस्थान से ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का कार्यकाल पूरा हो गया है। ये 4 सीटें भाजपा के पास थी। इनका कार्यकाल 4 जुलाई तक रहेगा। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।